जूम इसको देखो। सुभाष घाई को दिया एक महंगा सेलफोन और राखी सावंत को मिलने लगी हैं धमकियां फोन पर। हे देयर, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं पेज 3। आपके लिए है आज यहां फिल्मी दुनिया का मसाला, स्टार्स के सिजलिंग स्कूप्स, फैशन और ग्लैमर का ऊंफ और इवेंट्स का टोटल एंटरटेनमेंट। क्योंकि जो भी हो रहा है, जहां भी हो रहा है, सब कुछ होता है पेज 3 पर। शिल्पा शेट्टी और लारा दत्ता एक पोलो मैच पर, बिग बी को मिला ग्लोबल आइकॉन अवार्ड, प्रियंका चोपड़ा वापस लौटी इंडिया, प्रीति जिंटा का वुमेन्स डे दिल्ली में। शिल्पा शेट्टी सबकी मनपसंद तो थी ही, लेकिन अपनी बड़ी जीत के बाद हर जगह की शान भी बन गई हैं। वो अब जहां भी जाती हैं अपनी झलक से लोगों में उत्साह भर देती हैं। अब सोचिए, जब उन्होंने किक ऑफ किया होगा किंगफिशर पोलो मैच को, तो खिलाड़ियों का मनोबल तो बढ़ ही गया होगा। और अगर ये भी काफी नहीं था, तो इसी दौरान रखे गए फैशन शो में लारा दत्ता के रैंप पर आने से सभी की आंखों में चमक आ ही गई होगी। लेडी लक जब साथ हो तो स्टार्स का मूड भी अच्छा रहता है और किस्मत भी चमक जाती है। एक इवेंट पर सलमान खान के साथ थी कैटरीना, तो वो नजर आ रहे थे बेहद खुश। संजय कपूर का साथ दिया बीवी करिश्मा कपूर ने, तो वो जीत गए एक पोलो मैच। और विजय माल्या के लिए शिल्पा शेट्टी इतनी लकी साबित हुई कि उनकी टीम बन गई विजेता। Absolutely. अच्छा है आपका, अगर ये नजरिया है तो बहुत अच्छा है, तो मतलब हर इवेंट के लिए मुझे बुलाएंगे। Well, yeah, I think he plays really well. I think to play polo basically, I think you need to have the courage or any sport. ये शाम रही सरप्राइजेस के नाम। एक तरफ जहां शिल्पा करने वाली थी पोलो मैच की शुरुआत, वहां करिश्मा को दिया गया ये मौका। I was told to come slightly later. और इसके बाद जब हुआ डिजाइनर एना सिंह का जबरदस्त फैशन शो, तो उसमें लारा दत्ता तो रैंप पर चली ही, लेकिन सरप्राइज दिया तो सल्लू ने। आज मैं वॉक किया हूं, शी इज वेरी डियर, सैयद पीछे करना, पीछे पहले प्यार किया एना से। मैं बहुत लेट आया हूँ शो में, क्योंकि कलेक्शन तो मैंने देखा नहीं, लेकिन श्योर कि अच्छा ही होगा। जो सूट मैंने पहना था मुझे बहुत अच्छा लगा। Very nice. I think Anna Singh's done a wonderful job and she's really, really done some amazing dresses. मैंने अपना करियर सलमान के साथ स्टार्ट किया था, मैंने प्यार किया में। आज जो मैं पहला सोलो शो कर रही थी, वो इमोशनल रीजन के लिए जरूरी था कि सलमान भी आए। सल्लू की दोस्ती के चर्चों से तो सभी वाकिफ हैं। वो दोस्तों के लिए तो कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, जैसे कि यहाँ उतरे रैंप पर एना सिंह के लिए, और ना जाने आगे भी और क्या क्या करेंगे। यहाँ आए सेलेब्स में शामिल थे लेट लतीफ भी। सोहेल खान ने मिस किया पोलो मैच और भाई सलमान का मस्त रैंप वॉक, तो जायद भी देख ना पाए अपनी फेवरेट डिजाइनर एना का फैशन शो, जिसके लिए उनकी बहन परा ने भी ज्वेलरी डिजाइन की थी। Mind blowing combination, ऐसे कभी combination हो ही नहीं सकता। I think the best compliment ever, speechless. I think it was great. I missed it, but I think it was great. वैसे स्पोर्ट्स और फैशन का बहुत पुराना नाता है। कहते हैं कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट ग्लैमर के बिना अधूरा सा लगता है, लेकिन सेलेब्स इस बात को अपने नजरिए से देखते हैं। पोलो को लेकर खासकर अगर देखा जाए तो हमेशा ग्लैमराइज किया जाता है, और लेकिन nobody can really take away from the sport. जो इस स्पोर्ट को enjoy करते हैं, वो enjoy करते हैं। It always helps. It gets media attention, and that's always serves the purpose. Wherever there are hot guys, the ladies follow. But I think sports will definitely survive without the glamour portion. Definitely, people come to watch a sport, not to watch the ladies. I don't think any sport has got anything to do with fashion. But yeah, if you can get a little entertainment and glamour into anything what you do. Why not? Can have fun. नहीं, मुझे नहीं लगता है कि हो सकता है, लेकिन स्पेशली इन बॉम्बे इट्स डिफिकल्ट। लारा ने आना सिंह के लिए वक्त तो निकाला,
मगर थोड़ी कंजूसी से। दूसरी तरफ बड़े दिल वाले सल्लू ने ये पूरी शाम ही कर दी प्यार और दोस्ती के नाम, जिससे सितारों भरी इस जगमगाती शाम में लग गए चार चांद। रोमा श्रीवास्तव, जूम, मुंबई। अमिताभ बच्चन को अब तक कितने अवार्ड मिल चुके हैं इसकी तो शायद किसी को गिनती भी नहीं होगी। हालत तो ये है कि बिग बी को अवार्ड देने से बढ़ती है उस अवार्ड की ही शान। मामी फिल्म फेस्टिवल में बच्चन को मिला ग्लोबल आइकॉन अवार्ड है, उनको मिले सम्मानों की सूची में एक और नाम। अमिताभ बच्चन को मिला ग्लोबल आइकॉन अवार्ड, लेकिन वो मानते हैं असली ग्लोबल आइकॉन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को, जिसने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। वहीं जावेद अख्तर ने पाया लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड, जिन्हें यही सम्मान फिल्म फेयर भी दे चुका है, और उन्होंने इस बात की खुशी जाहिर की और इसे एक खास अवार्ड बताया। वर्डिंग ऑफ दिस अवार्ड इज रियली करेक्ट एज बीइंग अ ग्लोबल आइकॉन। आई डू बिलीव सिंसियरली फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट दैट द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ट्रूली इज टुडे द ग्लोबल आइकॉन। मामी उन लोगों का दिया हुआ अवार्ड है कि जो खुद ही मास्टर्स हैं, ये मास्टर्स ने सेलेक्ट किया है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने तो देखे हैं काफी अप्स एंड डाउन्स, लेकिन बिग बी मानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री कर रही है तरक्की। It's just marvelous to see our cinema finding markets which were unknown to us before. जितना दिया है बॉलीवुड ने अमिताभ को, उतना ही लौटाया है बच्चन ने इंडस्ट्री को। एक महान कलाकार और दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री के रिश्ते को भला कौन सलाम नहीं करेगा। उषा मालसी, जूम, मुंबई। सैफ अली खान और गर्लफ्रेंड रोजा का रिश्ता अब खत्म हुआ। सैफ हाल ही में निकले अस्पताल से और खबर है कि रोजा और उनके बीच सब कुछ ठीक न होने की वजह से वो दोनों हो गए हैं जुदा और खत्म कर दिया है सारे नातों को। रोजा चली गई है स्विट्जरलैंड और वापस आएंगी तो सिर्फ एक इंडिपेंडेंट करियर के लिए। सैफ कहते हैं कि सब कुछ अच्छे के लिए ही होता है और अब वो अपना वक्त गुजारना चाहते हैं अपने बच्चों के साथ। अफसोस, अफवाहों ने रूप ले लिया है सच्चाई का।